जल्दी खोल दे, बैल ना चुरा के ले जाए। बिट्टू शर्मा, लकड़ी की बकरी को तूने खूब रुलाया है, पंच मार मार के अपनी बीवी को खूब सताया है, हंस हंस के तूने कर दी है सबकी बोलती बंद, पर आज पड़ेगा नहले पे तहला, क्योंकि तेरी पुंगी बजाने मंजू का बाप आया है। कैसे हैं आप पापा? पापा आपने क्या सही जगह थूका है? पापा अपने पान पॉकेट में थूका? थूका नहीं बेटी, बात के लिए बचा के रखा है। हुए अपने संस्कार? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। हाउ स्वीट दैट वाज। स्वीट नहीं, 301 कत्थे वाला है। एक मिनट, रमा जी। कैच। वापस वापस। पापा ये क्या? बेटा दामाजी बदतमीज आदमी है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी तो आती नहीं, तो यही एक तरीका अपने पांव छुआने का। आप आइए ना, बैठिए ना। हाँ आइए ना। नमस्ते तो कर ही सकते पापा को, नहीं? नमस्ते। नमस्ते। अरे कैसे आना हुआ आपका? दामाजी तुमने सुना होगा कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है, बस वही फोड़ने आया हूँ। मैंने कौन सा पाप किया है? तुमने ध्यान से सुना नहीं मेरी बात को, मैंने पाप का नहीं, मैंने कहा बाप का घड़ा। तो हमेशा अपनी वाइफ के बाप का मजाक उड़ाते रहते थे, तो घड़ा बड़ा तेजी से भर रहा था, तो वही फोड़ने आया हूँ। आज आप दोनों किन बातों को लेके बैठ गए, एक दूसरे का हाल चाल पूछिए। पापा मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। पापा जी बेटी के घर आए हो, खाली हाथ ही आ गए? अरे खाली हाथ कहाँ, ये लाए हैं ट्रंक पूरा। इसको रखो। ये आपके बारे में कुछ भी बोलता रहता है, कह रहा था शादी में आपने मटर पनीर बनाया और उसमें से पनीर गायब था। ये क्या बात हुई? अब कश्मीरी पुलाव बनाएंगे तो क्या उसके अंदर कश्मीर डालेंगे? जम्मू बुरा नहीं मान जाएगा क्या इस बात का? एसी का वायदा किया था आपने शादी में ना, मुकर गए। क्या हुआ कि जैसे बारात पहुंची हाँ, तो बरसात पड़ गई, मौसम ठंडा हो गया, तो एसी की क्या जरूरत। वैसे एक बात मैं बताऊं आपको, आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ तो इसने आपके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मेरी चुगली करने की आदत है नहीं। अरे बेटी, हम तुम्हारे बाप हैं, हमने डिसाइड किया कि बेटी के घर के पानी को हाथ तक नहीं लगाएंगे। दामाद जी कोई रेस्टोरेंट पास में है तो बियर और नॉन वेज स्नैक मंगा लो थोड़ा सा। अभी कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं होगा अभी तो। आदमी का उठना बैठना बड़े लोगों में हो जाए तो बहाने बनाने आ जाते हैं। बेटी सुना है यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी आए थे? हाँ पापा, साथ में शाहरुख और सलमान भी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या फिर तो मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि एरो गेरो के घर में मैं जाता नहीं हूँ बेटा। ये एरो गेरो का घर नहीं है, आपकी बेटी का घर है। हैं? एक मिनट फिर से बोलो इस बात को। आपकी बेटी का घर है, इसमें क्या है? बेटी का घर है। इसी बात को एक मिनट फिर से बोलो, मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या कहा तुमने? मेरे को याद नहीं यार, क्या कहा? फोन आ गया बीच में। हेलो यार, अब तुम्हारा फोन मांग लिया तो उसका मतलब बार बार हमको कॉल करते रहोगे?
क्यों चल रहा है भैया? जरूरी बात चल रही है यहाँ पे, बात ना करो। चलो बेटा तुम्हारी सेल्फी बना लेते हैं, बात को दोबारा कहो। भूल गए यार मैं, पर भूल गए, लेकिन मैं नहीं बोला। क्या कहा था? मैं अपनी बेटी की बारात से पैसे लूट रहा था, है ना? मैंने नहीं कहा पापा जी, शादी की वीडियो देख रहे थे, लोगों ने देख लिया, आप कर रहे थे तो मेरा क्या कसूर? तो बेटा एक बात बताओ, अगर डॉक्टर के घर में शादी हो और वहां को बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा क्या? करेगा। तो डॉक्टर अपना धंधा नहीं छोड़ा तो हम अपना धंधा क्यों छोड़े? हम भी किसी डॉक्टर से कम है क्या? चाय पानी का इंतजाम करो, क्योंकि पापा इतनी दूर से हैं, ना कुछ खिलाया ना पिलाया। एक काम करो पापा, एक काम करो, आप इधर आइए। हाँ जी। आप अंदर जाके ना नहा धो के, हो सकता है फ्रेश हो जाओ। तो आप अंदर जाके नहा धो लो, आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ बेटा एक मिनट, आज संडे है ना? हाँ, तो संडे वाले दिन तो पास में लंगर लगता है, वहां चले जाओ, खाना खा लो। और सुनो, मेरे लिए थैली में ले आना। पॉलिथीन में शिकंज में मैंने जान बूझ के अंदर भेजा है, अंदर बुआ और दादी है, देखना दो मिनट में कैसे भागता वो बाहर आएगा। अरे हुआ क्या? होना क्या साहब जी, घर में एक आदमी घुसा है जो आपका गंदा से तौलिया खा गया है। अरे घबराओ मत, वो मेरे पापा है और वो पुराने रिवाज के ना, इसलिए वो तौलिया से अपना गला साफ कर रहे हैं। मतलब वो तेरा पापा है? तू पहचानती तो है बुआ उसको? हाँ पहचानती तो हूँ, पर जिस हालत में मैंने देखा है ना, उसमें तो कोई भी नहीं पहचान सकता। सिर पे उसने साबुन लगा रखा और पूरे बदन पर मट्टी मल रखी है। तेरी आदत गई नहीं लोगों के बाथरूम में झांक के देखने की? ओहो, मैंने बाथरूम में झांक कर नहीं देखा सिद्धू जी, वो बाथरूम के बाहर खड़ा होकर नहा रहा है। अरे वो पापा को बंद कमरे में डर लगता है, शायद इसीलिए बाहर नहा रहे होंगे। बंद कमरे में डर लगता है? 6-6 महीने जेल में रहा था, बंद कमरे में डर लगता है उसको। और तेरे को क्या हुआ दादी, तू क्यों चला रही है? नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तू क्यों चला रही थी फिर, भाग क्यों आ रही थी इनके साथ? तू तो जानता है बिट्टू, मैं हमेशा भीड़ के साथ रहती हूँ। अरे आप लोग घबराइए मत, पापा बहुत ही सेंसिबल है, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, डोंट वरी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दादी मेरे पापा है। हाँ ये तेरा बाप है, मगर इसने जो सलवार पहन रखी वो मेरी है। एक मिनट, आपकी अकल पे चाहे पत्थर पड़े, लेकिन मटेरियल की चॉइस आपकी बड़ी अच्छी है, मानना पड़ेगा। पापा ये आपको मटेरियल की पड़ी हुई है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपने लेडी सलवार पहनी हुई है? तो एक काम करो, अपना पजामा दे लो। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? अरे शर्म कहीं का। अरे बेटा इनकी सलवार वापस कर रहा हूँ मैं, और क्या ऐसे करनी है सलवार वापस? और क्या, तुम पजामा लो, पजामा लो, तुम्हारा पजामा लो बेटा। ए, तेरे बाप को अकल नहीं है शरीर, हम लोगों के सामने कपड़े चेंज कर रहा। अरे बेटा अकल बहुत है लेकिन शर्म रत्ती भर की नहीं है। इतना आला छोड़ ले तो मैं। साहब जी अगर इन्होंने मेरे पजामे को हाथ लगाया ना तो देखना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तेरा कौन सा भाई, ये पजामा तो मेरा है। मेरे पजामे के नाले पे थूक भी लगा रहा है। पापा जी एक मिनट रुकिए, छोड़िए, वापस करिए इसको अंदर डालिए। क्या कर रहे हैं आप? और ये शर्ट मेरी पहनी हुई है, मंजू तेरा मंगलसूत्र भी पहना हुआ है इन्होंने तो। मंगलसूत्र क्यों पहन लिया आपने? मंगलसूत्र खाली गला अच्छा नहीं लगता तो मंगलसूत्र पहन लिया। अरे यार ये बुड्ढा कब तक रुकेगा यहाँ? बुड्ढा कहा आपने पापा को? ये बालक कब तक रुकेगा यहाँ? पूछ लीजिए। पापा जी कपड़े तो आप लाए नहीं, तो मेरे ख्याल से जल्दी चले जाएंगे शायद। बेटा अब हफ्ते दो हफ्ते के लिए कपड़े क्या लाना।
उसके बाद मंजू की मम्मी आ जाएगी, कपड़े ले आएगी। एक बात बताओ, हाँ? बेटी के घर में रहने आए हो या सेटल होने? अरे क्या बात कर रही हो दादी, ये टिकट साथ लाए हैं, वापसी की रिटर्न टिकट है। अरे तो हमें बोल रहे थे, हम लोग करवा रहे थे, कल की भी मिल जाती आपको तत्काल में, मैं भी करवा देता हूँ कल की। हाँ। नहीं नहीं, सस्ती मिल रही थी बेटा, ले ली। कब की है? 2022 की है। जुलाई महीने की है। 8 साल बाद की? बुलेट ट्रेन की है ना। बेटा एक काम करो, जब मैं वापस जाऊंगा ना तो मेरे लिए 1 किलो पेड़े का डब्बा ले लेना। पेड़े क्यों बेटा? बुलेट ट्रेन है, मथुरा रुके ना रुके, बीच में क्या पता। और मान लो रुक भी गई तो कहीं ऐसा ना हो जो आते हुए मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था आते हुए? आते हुए क्या हुआ? इतना का छुपके सुनने वाली बात है यार। तो आए क्यों पापा? क्या हुआ आपके साथ आते हुए? आते हुए क्या हुआ कि मैंने पेड़े के डब्बे में ऐसे हाथ डाला, तो वैसे ट्रेन रुक गई, तो पेड़े वाला भड़क गया, उसने मेरे, देखो बेटा ये मुक्का मारा यहाँ पे। पेड़ा मेरे गले में था, वो मेरा बाहर आ गया, और तो और जो सहारनपुर में पूड़ियाँ खाई थी वो भी बाहर आ गई। अरे पूड़ियों से याद आया, भूख लगी है यार, नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है, खाना वाना मंगाओ कोई यार, काम करो। ठीक है अब मजा आएगा, सारे यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। इतना फास्ट क्यों आ गए? तो आते क्यों हो? पागल कहीं का। एक काम करो, मैं आंख बंद कर लेता हूँ, ठीक है? 5 सेकंड के लिए आंख बंद करूंगा, उसके बाद खोलूंगा, उसके बाद जो मेरे सामने आएगा वो मेरे खाने का इंतजाम करेगा। बोलो गेम कैसी है? आंखें बंद करो। चले गए। एक मिनट, मंजू की माँ को फोन लगा देता हूँ। हेलो मंजू की माँ, नंबर डायल तो होने देती, पहले उठा लिया। हाँ, मैं बेटी के घर पे बड़े अच्छे से हूँ, हमारी बेटी पे एडजस्ट हो गई है, बिल्कुल हमारी तरह के ही लोग हैं, बिल्कुल भूखे नंगे हैं। तुम बड़ी बेटी के घर पे आराम से तो हो ना, पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे मत मांगना, वहीं से चोरी कर लेना, ठीक है? अरे दामाद जी जब सोते हैं तो फिर उनका पता थोड़ी चलता, पी के सोते हैं ना। और सुनो, अगर तुमको धक्के मार के निकाल तो तुम यहाँ जाना, मुझे निकालने में आ जाना।